उसका इसका प्रकरण मैंने सर्व न्यायालय में पेश किया था, शासन को किया, शासन ने संदर्भित किया, अनुसूची बनाई, अनुसूची के आधार पर हमने दावा लगाया, दावा सबूत होकर के और 2021 में सर्व न्यायालय उज्जैन ने आर्डर कर दिया इसको 6 साल के पैसे देने का। 6 साल पैसे देने के हमने वसूली की कार्रवाई करी। वसूली की कार्रवाई में क्या है कि श्रीमान उनका जवाब आ गया और हमने अपना चार्ट बना के दिया कि हमारा 26,74,143 रुपए बनता है वहाँ का। उसके बाद उनका जवाब भी आ गया उसके अंदर कि ये संख्या जो दी है आपने ये ज्यादा है और स्टैंडिंग ऑर्डर का जो उल्लंघन का भी केस लगाया उसमें इन्हें जुर्माना भर दिया कोर्ट में, यानी वो फाइनल हो गया। उसके बावजूद इसकी लाइट और पानी काट रखी है श्रीमान 11 तारीख कंपनी ने। वो कर्मचारी है क्या? अभी कर्मचारी थोड़ी सा, अभी इसके पैसे बाकी है, वो इसका लाइट काट दिया। लाइट और पानी का यदि पैसे लेना भी चाहते हैं तो देने को तैयार हो, बता दे कि कितना पैसे है लाइट और पानी का। कह रहे मकान खाली करो, जब पैसे देंगे तो मकान खाली करके क्या सड़क पे तो जाके बैठेगा नहीं आदमी। तो उसका जब पैसे है वहाँ क्या है कि कोर्ट में इसके बयान के लिए लगी है तो प्रेशर बना रहे 50% ले ले, 50% की ले ले, तो बन रहा है 26 लाख है, 27 लाख करीब, और 12% ब्याज है श्रीमान उसमें। कोर्ट ने 12% ब्याज दिलाया कि 2 महीने में भुगतान नहीं करने पे 12% ब्याज के भी आर्डर है, तो वो नहीं देने के लिए प्रेशर बनाने के लिए कि ये करो। तो इसका इसको क्या दोबारा कोर्ट में लगाया? हाँ लगाया ना सर, लाइट पानी का सर्व न्यायालय में थोड़े होते श्रीमान को दिखा रहे, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में श्रीमान को अधिकार है। नहीं नहीं, पर उनने कोई डिसाइड नहीं कराया, बिना डिसाइड करे क्या कि 3,000 रुपए मकान का किराया दे दो। अरे भैया हमने 5 साल तक 6 साल तक तो उसमें हमारी पात्रता इतनी रहे, अब जो आगे से 21, 22, 23, 2 साल जो रहे हैं उसका यदि जो पहले से जो किराए लग रहे हैं वो दे दे या कोर्ट से डिसाइड करा ले, क्योंकि मेरे केस में भी हुआ 5 रुपए देने का कोर्ट ने आर्डर दिया कि 5 रुपए के हिसाब से किराए दे दो, मैंने रजिस्ट्री डाक से मनी ऑर्डर करके इनको भेज दिया था तो इनने लिया नहीं, वापिस आ गया मनी ऑर्डर, तो मैंने वापिस ले लिया मनी ऑर्डर। ये तो ऐसे थोड़ी भी, अब जो मर्जी पड़े वो थोड़ी कर लेगा कोई भी है, तो कानून से बड़ा तो कोई नहीं है श्रीमान। नहीं, मेरे को यही बोला गया सर कि क्या नाम है 5,65,000 जमा कर, 5,65,000 रुपए किस चीज का होगा इसमें श्रीमान? मैंने इनका वो होगा ना इनके इसके अंदर ये है कि आदिनाथ कॉलोनी के अंदर इस दो तो बगीचे हैं और एक स्कूल है और एक कुआ है ना, सभी आदिनाथ का वास है। हां ये सब आदिनाथ मार भी पड़े हैं ना श्रीमान। जो स्कूल की जगह है उसके अंदर क्या है कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण करवाया गया इनके इंजीनियर द्वारा, दो पंचोली जी है उनके द्वारा, और परमिशन दे दी गई, जबकि श्रीमान ये माननीय न्यायालय का ये सिविल न्यायालय ने इसके अंदर आदेश कर दिया है, ये 2013 में आदेश हो गया श्रीमान। और एडीजे वो सामने वाला जो कॉलोनाइजर है वो उसमें भी गया था, अपील में गया, तो एडीजे कोर्ट ने भी अभी 23 दिसंबर को ऑर्डर कर दिया और इनकी सबकी कॉपी मैंने श्री पंचोली जी को और सीएमओ साहब के नाम से दोनों ऑर्डर की कॉपियां भी दी मैंने, उसके बावजूद भी उनने परमिशन दे रखी थी। और अभी ये 20 तारीख को उसके ऊपर निर्माण कार्य चालू करा दिया गया, और इसके पहले मैं 20 दिसंबर को श्रीमान के समक्ष मैंने कहा था कि भैया इसको वो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोको, और श्रीमान ने आदेश भी दिया था कि उसको जाकर के अपनी जमीन को अपने हैंड ओवर करो, ये श्रीमान ने सीएमओ साहब को बोला था। उसके बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ और निर्माण कार्य शुरू हो गया, खड्डे खुदे हुए हैं, गायें भी चरती है, बच्चे भी खेलते हैं, कोई बच्चा गिर गया या कोई तो भी तकलीफ आएगी, तो उस दिन भी श्रीमान ने निवेदन किया था कि जीसीबी भेज करके और वो करवा दिया। जो पंचोली जी है उनका क्या है कि आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है इसलिए वो कोई भी काम कहीं पे भी करना नहीं चाहते, सरकारी जितनी जमीने हैं उन पे कब्जा हो रहा है। श्रीमान एक और विषय से हटके है, ये जो अभी नहर की बात हो रही थी, नहर की जो है मेरे घर के सामने से ही जा रही है, उसके ऊपर बहुत सारा अतिक्रमण हो गया, सड़क बनी है तो आम जनता के लिए होगी,
उसमें। लेकिन क्या है कि जो प्लाट काट दिए और उनकी सहमति से कटे होंगे या नगर पालिका की सहमति से या किसी की रिपोर्ट के आधार पे ही उसमें रजिस्ट्रियां होती है, कॉपी लगती है, फिर ये क्यों हो रहा है, सारी चीजों में ये सब गड़बड़ घोटाला है। नंबर दो, श्रीमान एक हमारी आवेदन पड़ा हुआ है यहाँ पे काफी लंबे समय से और 3-4 बार मैंने कॉपी भी दी, श्रीमान ने भी कहा था पिछली बार, तो सीएमओ साहब ने कहा 15 तारीख को हम काम चालू कर देंगे आदिनाथ कॉलोनी का। वो काम इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि जो श्री पंचोली जी है वो मना कर रखे हैं, और सीएमओ भी बोला कि मैंने भी बोल दिया उनको, और जो ओपी गहलोत जी उन्होंने भी कहा कि मैंने भी उनको बोल दिया कि रोड चालू कर दो, लेकिन वो रोड का काम इसलिए नहीं चालू कर रहा है क्योंकि मैंने उनको शिकायत की कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो। और सिर्फ सीसी रोड बनी हुई है, सीसी रोड के ऊपर डामर डल गई थी, टूट गई, तो और डामर भी नहीं निकाली और उसके ऊपर भी सीसी रोड बना दी ताकि लोगों के घरों के अंदर पानी जाए। तो इस तरीके के यदि इंजीनियर काम कर रहे हैं तो इन इंजीनियरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी होना चाहिए। ये सारी चीजें लिखी है कि लिखने के अलावा नहीं, ये कार्रवाई वाली तो नहीं लिखी है, इसको अतिक्रमण हटा के और उसके ऊपर हैंड ओवर करने का किया श्रीमान, तो वो क्या है की तार फेंसिंग करा दे या श्रीमान यदि हमको आदेश दे दें तो हम पैसे कलेक्ट करके हम परमिशन कर वो तार फेंसिंग करा देते हैं तो हम करवा लेते हैं। यदि नगर पालिका की जगह पड़ी और एक कुआ पड़ा है उसके अंदर रोज झगड़े हो रहे हैं, कोई आता है कभी इस पे अतिक्रमण करने के लिए, कभी दो बगीचे हैं तो एक बगीचा तो कबाड़ है, स्कूल की जगह पड़ी है तो उस बगीचे में आके कोई ट्रॉली ला करके सामान डालता है, फिर विवाद होता है, फिर 4-10 जने जाके उसको बोलते हैं। तब इस दिन भी क्या श्रीमान ने 20 जनवरी को उनको सूचना करी, सीएमओ को करी, वो पंचोली जी को करी, मेरे कहा भेज रहे हैं, एक कर्मचारी भेजा और काम नहीं रुका 3 बजे तक, फिर जब भीड़ इकट्ठी करी हमने और तब जाकर के वो काम रुका। तो क्या नगर पालिका का काम यही है क्या, क्या कि वो पैसे बटोरते रहे और कोई काम नहीं करे, और उनके मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी उनको ही, तो उसके ऊपर वो रोड बना के 2021 से पेंडिंग डाल रखी है। तो सर रोड का आधा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, अंकल का घर है वो वाला रोड का पेंडिंग सी है तो उसके लिए जो बनी ना सर वो पास नहीं थी, पहले जो बनाई ना दूसरी बना दी, जो पेमेंट आया था ना नगर पालिका था हेलो हेलो जिस पेमेंट उसमें क्या है थोड़ी जो ना मैंने शिकायत की है कि इसका पेमेंट रोका जाए, यदि किया जाता है तो उससे वसूली करवाई जाएगी तब जाके वो पेमेंट रोका है श्रीमान। दूसरा क्या है कि वो मेजरमेंट के बाहर जाके रोड बनवा दी ताकि वो उधर से रोड नहीं बने, जहाँ से इस्टीमेट है वहाँ रोड नहीं बना करके मेजरमेंट के बाहर जाके रोड बनवाई। जो रोड बननी चाहिए वो नहीं बना रहे, अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं रोड पे रोड। नया सीएमओ आ जाए किसको चार्ज मिलता है नेक्स्ट वीक में, कभी शनिवार या रविवार को छुट्टी के दिन आप लोग को हमसे संपर्क कर लेना, तो नए सीएमओ को लेके इंजीनियर को लेके अपन एक बार विजिट कर लेंगे। ठीक है जी, वहाँ जो जो होगी हाल कल अपन नोट भी कर लेंगे तो हाल कल बता देंगे, अभी उसको बताने की जरूरत है नहीं क्यों आज इन्होंने अपना साउंड पैक करना शुरू कर दिया है। सर ये तो करी मेरा 2 बार गीला बदल करवाया नहीं सर, ये ग्वालियर स्टेट ने पद्मनी राजे कॉटन मिल को दी थी और मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत करी, इसमें यहाँ पे 5-6 साल तक प्रकरण चला और एक मीणा साहब IAS अधिकारी आए थे उनने फिर उस पर आर्डर करवाया और फिर रोमन जैन साहब एडिशनल कलेक्टर थे उनने उस पर आर्डर करा कि सरकारी की है, सरकारी इस पर अभी सरकारी कब्जा है इसके ऊपर।